Dear students, now we are going to discuss reasons for different attitudes on occupational health and safety with reference to organizational behavior. Identify the focus and goal of individual behavior within the organization is the key term of our discussion. Just like an iceberg, it is hidden organizational elements which are as under attitude, perception, and norms that make understanding individual behavior so challenging. अगर इंडिविजुअल बिहेवियर का एटीट्यूड इंडिविजुअल बिहेवियर की परसेप्शन और उसकी नॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन में फिट होंगी तो ऑटोमेटिकली आर्गेनाइजेशन कल्चर प्रॉपर वे में डिवेलप होगा और आर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी अच्छी तरह से काम करेगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फोकसिस ऑन थ्री थिंग्स नंबर वन इट प्योरली फोकसिस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर ग्रुप बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर द गोल ऑफ बिहेवियर टू एक्सप्लेन प्रिडिक्ट एंड इन्फ्लुस बिहेवियर इट इज द कामन थिंग विच वी शूड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करते हैं ग्रुप बिहेवियर की बात करते हैं और आर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की और ये तीनों चीज़ों का मेन फोकस आर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना होता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एटीट्यूड प्ले इन जॉब परफॉर्मेंस हमें मालूम है कि एटीट्यूड का इम्पैक्ट बिहेवियर पर आता है वट एवल थिंक वट एवल फील डेफिटलीट विल बी बिहेव थ्रू योर साइकोमोटर्स बिहेवियर इज़ दी एप्लिकेशन ऑफ़ योर एटीच्यूड तो इसमें कागनेटिव कम्पोनेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट अमल दखल है कागनीशन का तलक माइंड के साथ है और माइंड ही आपकी परसैप्शन की फेज के अंदर इन्वाल्व होता है जब हम चीज़ों को परसीव करते हैं तो माइंड का वो हिस्सा बनती हैं जब उनको बिहेव करते हैं तो साइकोमोटर्स की मदद से वो बिहेवियर का हिस्सा बनती हैं जॉब सेटिसफेक्शन जो है वो रेफर करता है इंडिविजुअल के एटीट्यूड को टुवर्ड जॉब तो ये बेसिकली वे में स्टूडेंट्स में आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे मुख्तलिफ चीज़ें हेल्थ सेफ्टी के हवाले से आर्गेनाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं एम बी टी आई ये बेसिकली एक फोकस पॉइंट है जिसके अंदर हम वन हंड्रेड कोशन डवेल करके इंप्लाई से उनके एटीच्यूड को मैद करते हैं इन दम ऑफ क्वेश्चन एयर और इसका बुनियादी मकसद ये है ताकि के एटीट्यूड का इलम हो सके कि जो मैनेजर हैं वो किस तरह एम्प्लाई के एटीट्यूड को चेंज करने का बास बन रहे हैं इसके अलावा बिग फाइव मॉडल है जिसमें पर्सनैलिटी ट्रेड्स की हम बात करते हैं एक्स्ट्रा वर्ड के अंदर एग्रीएबलनेस है कॉन्शियसनेस है इमोशनल स्टेबिलिटी है एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस है जब ये पांच चीज़ें किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई की जाती हैं एम्प्लॉइज के हवाले से तो इसको फाइव मॉडल थेरी भी हम बोलते हैं डिस्क्राइब परसेप्शन एंड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉप मैनेजमेंट और मैनेजर का रोल है अगर ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लाई के गोल के लाइन गोल डेवलप करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन गोल को इंप्लाइज के गोल फॉलो करते हैं उसमें कंपेटिबिलिटी है तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म की इनकम्पैटिबिलिटी डिवेलप नहीं होगी एट्रीब्यूशन थेरी डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर डिस्टिंगटिवनेस इन वेदर एंड इंडिविजुअल डिस्प्ले डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन मुख्तलिफ सिचुएशन में हर इम्प्लॉई डिफरेंट बिहेव करता है ये हमें मालूम है अब मैं इसकी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट में कंसेप्चुअल स्किल कम होता है ह्यूमन स्किल उससे ज़्यादा होता है और टेक्निकल स्किल सबसे ज़्यादा होता है जब यही इम्प्लाई मूव करके टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा बनता है तो उसमें कंसेप्चुअल स्किल सबसे ज़्यादा होता है ह्यूमन स्किल उससे कम होता है और टेक्निकल स्किल उससे कम होता है इसका मतलब ये हुआ कि ये स्किल वॉइस वर्सा इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू चेंज इन योर डेजिगनेशन और इसमें हम लोग फर्दर लास्ट में स्टूडेंट्स लास्टमेंट आपको बताना चाहता हूँ ऑपरेंट कंडीशनिंग और सोशल लर्निंग थेरी, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अर्निंग थे बेसिकलीम्पॉटेंट थे ऑपरेंट कंडीशन अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसिस इंसान पहले कॉन्सिक्वेंस देखता है अपने डिसीजन के फिर वो बिहेव करता है अगर आप कॉन्सिक्वेंस से देखे बगैर बिहेव करेंगे तो दिस विल नॉट बी योर गुड चॉइस एंड गुड डिसीजन सोशल लर्निंग थेरी सेज़ दैट इंडिविजुअल लर्न बाई ऑब्जर्विंग वॉट हैपन टू अदर पीपल एंड बाई डायरेक्टली एक्सपीरियंसिंग समथिंग ये सोशल लर्निंग थेरी में हम इंडिविजुअल का बाकी ऑर्गेनाइजेशन से मेम्बर के साथ इंट्रैक्शन देखते हैं और हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि किस तरह एक इंडिविजुअल बाकी लोगों के साथ बिहेव कर रहा है ताकि हमें मालूम हो सके कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ग्रुप हमने फार्म किए हुए हैं उन सब वो तमाम लोग एक पेज पे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में अपने इंडिविजुअल ग्रुप एफर्ट पुट कर रहे हैं